केरल में राजनीतिक हत्याओं का दौर जारी है। शनिवार को पुलिस ने बताया कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी SDPI और भारतीय जनता पार्टी BJP के दो नेताओं की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। ये हत्याएं अलापूजा में हुई। पुलिस के मुताबिक BJP नेता की हत्या के मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से कुछ के सीधे तौर पर मामले में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। एक के बाद एक राजनीतिक हत्याओं के बाद जिले में तनाव है और आगे कोई अप्रिय स्थिति ना हो, ऐसे में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिले में पहुंच गए। 12 घंटे से भी कम वक्त में दो राजनीतिक हत्याओं ने राज्य को झकझोर कर रख दिया और जिले में दो दिनों के लिए धारा 144 लगा दी गई। SDPI के राज्य सचिव 38 वर्षीय शान KS की शनिवार की रात अज्ञात गिरोह ने चाकू मारकर हत्या कर दी। वहीं 12 घंटे से भी कम वक्त में भाजपा OBC मोर्चा के नेता रंजीत श्रीनिवासन की रविवार को उनके घर के बाहर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने कहा कि भाजपा नेता सुबह की सैर के लिए निकले थे, तभी 8 हमलावरों ने उन पर हमला किया और उन्हें चाकू मार दिया। अस्पताल ले जाते वक्त ही उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया। SDPI नेता पर उस वक्त हमला किया गया जब वे अपने स्कूटर पर घर लौट रहे थे। पुलिस ने कहा कि एक कार में आए हमलावरों ने पहले उनके दोपहिया वाहन को टक्कर मारी और इसके बाद उनके नीचे गिरने पर उन्हें बार बार चाकू मारा। पीड़ित को कई फ्रैक्चर और सिर में चोटें आईं और बाद में एर्नाकुलम के एक निजी अस्पताल में उनकी मौत हो गई। उनके परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने अलापूजा में दो राजनीतिक हत्याओं की निंदा की और कहा कि सरकार किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं देगी। ऐसे अपराधियों से सख्ती से निपटा जाएगा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI की राजनीतिक शाखा SDPI ने हमले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के शामिल होने का आरोप लगाया, लेकिन RSS के जिला नेताओं ने इससे इनकार किया है।